नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज मैं व्रत की एक बहुत ही आसान रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज हम मखाना नमकीन बनाएंगे। इस मखाना नमकीन को आप बना के रख लीजिए और नवरात्रों के 9 दिन आप इसे खा सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये झटपट बन के तैयार हो जाता है। वैसे भी उपवास में हम बहुत ही आसान और हेल्दी रेसिपी बनाने के लिए सोचते हैं, तो आइए मखाना नमकीन की इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। मखाना नमकीन बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम कर लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच भर के घी डाल देंगे। घी गरम हो गया है और गरम होने के बाद घी की मात्रा पहले से काफ़ी बढ़ गई है। अगर आप पिघला हुआ घी ले रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा घी डालिएगा। घी गरम हो गया है, अब हम इसमें मूंगफली डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हैं। मूंगफली को हम लगातार चलाते हुए भुनेंगे ताकि ये जले ना और अच्छे से भुन जाए। इसे भुनते समय गैस का आंच हम मीडियम रखेंगे। मूंगफली चटकने लगी है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। मूंगफली के भुनने के बाद इसमें से एक सौंधेपन की खुशबू आने लगती है। अब हम इसमें 1 कटोरी मखाना डाल देंगे और इसे भी लगातार चलाते हुए तब तक भुनेंगे जब तक कि यह अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तेज आंच पे हम इसे नहीं भुनेंगे। भुनते समय इसे गैस का आंच हम मीडियम ही रखेंगे, लेकिन इसे लगातार चलाते हुए भुनेंगे। मखाने को मैंने 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए भुन लिया है और ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। खाना नमकीन को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें हम थोड़ी सी चीज़ों को डाल लेते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अगर आप व्रत में लाल मिर्ची खाते हैं तो काली मिर्च की जगह आप लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे, या नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी इसमें डाल सकते हैं। सभी मसालों को हम मखाने के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट और इसे हम भून लेंगे ताकि सभी चीज़ों का टेस्ट हमारे नमकीन में अच्छे से आ जाए। इसे मैंने स्पेशली व्रत के लिए बनाया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे नॉर्मल डेज में भी खा सकते हैं। व्रत वाले नमक की जगह आप नॉर्मल नमक डाल के इसे बना सकते हैं। हमारा मखाना नमकीन बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे। आप इस मखाना नमकीन को बनाइए और इसे ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के नवरात्र के 9 दिन आप इसे खा सकते हैं। इस नमकीन को बनाने के लिए आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। तो मखाना नमकीन की इस रेसिपी को आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।